हाय एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ नेहा। आज की वीडियो में मैं आपको ये अम्ब्रेला स्टाइल साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने ये 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। फर्स्ट हम नीचे का अपना अम्ब्रेला फ्लेयर पार्ट कट करेंगे। इसके लिए मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है। ये हमारी ओपन साइड है और ये वाली हमारी फोल्डेड साइड है, तो आप इसकी लेंथ देख सकते हैं। मैंने यहाँ 44 इंच लेके कट की है। तो जो कपड़े की हमारी विड्थ है ये नॉर्मल है 44 इंचेस। अब यहाँ कॉर्नर से हमें कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगुलर फोल्ड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमारी ये फोल्डेड साइड है, इसे हम बाद में कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर हम अपना वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। यहाँ वेस्ट राउंड टोटल मेरा 28 इंचेस है, प्लस मैंने 2 इंच उसमें लूजिंग के लिए ऐड किया है, तो यहाँ पर हमारा 30 इंचेस आएगा। उसका हमें यहाँ पर प्लस 4 इंच साइड मार्जिन लेना है, जो कि 1-1 इंच साइड में हमारा मार्जिन में जाएगा स्लेट फोल्ड करने में। तो यहाँ पे हमारा 34 इंचेस आ रहा है, उसका हमें फोर्थ पार्ट लेना है। तो 34 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच आया है। अब इस तरीके से हमें टोटल मेज़र करना हमारा कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा 11.25 इंच आ रहा है, तो दूसरी साइड भी हम उतना ही मार्क कर लेंगे। अब गोलाई में हमें 11.25 इंच पर इंची टेप को रखते हुए मार्किंग करनी है। इस वजह से मेज़र कर लें तो हमारे यहाँ पर 8.5 इंच ही आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कुर्ती की लेंथ वेस्ट टू एंकल जितनी भी रखनी है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 32 इंचेस रख रही हूँ, प्लस 1 इंच उसमें मैं ऐड करके लूँगी, जो कि हमारा नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 33 इंच पे मार्क करा है। अब यहाँ कॉर्नर से हमें से फुल मेज़र करना है हमारा कितना लेंथ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 43.75 इंचेज़ आ रहा है, तो टेप को हमें इतने पर ही रखते हुए गोलाई में मार्किंग करनी है। यहाँ वेस्ट में आप 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए कट करें। यहाँ जो हमारी फोल्डेड साइड थी उसे हम कट कर लेंगे। इस वजह से हमारे फ्रंट एंड बैक 2 पैनल नीचे ही बॉटम के कट हो गए हैं। अब हम अपना टॉप पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है, इसे हम एक और बार फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है, तो फोल्डेड साइड से हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है। यहाँ टॉप लेंथ हम 16 इंच रेडी करेंगे, तो मैंने प्लस 1 इंच करके यहाँ पे लिया है 17 इंचेस। यहाँ पे अपने शोल्डर विथ मार्क करेंगे, जो कि है हमारी 13.5 इंचेस। उसका हमें यहाँ पे हाफ लेना है, तो यहाँ पे मेरा 7.25 इंच आया है। अब यहाँ पे नेक विथ मैं 3.5 इंचेस रखूँगी। अब शोल्डर ड्रॉप के लिए 1/2 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ आर्मोल राउंड के लिए भी हम 7.25 इंच लेंगे। जितना भी आर्मोल राउंड है आप यहाँ पे उसका हाफ लें, उसमें मैं प्लस 1/2 इंच करूँगी, जो कि हमारा साइड मार्जिन में जाएगा। तो मैं यहाँ 7.25 इंच पे मार्क करूँगी। अब यहाँ पे हम अपना चेस्ट राउंड मार्क करेंगे। यहाँ चेस्ट राउंड हमारा 33 इंचेज़ है, प्लस 1 इंच उसमें हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, 34 इंचेज़ आएगा। उसका हमें यहाँ पे फोर्थ पार्ट लेना है। तो यहाँ पे मेरा 8.5 इंचेज़ आया है। साइड से 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना वेस्ट राउंड मार्क करेंगे, जो कि हमारा 28 इंचेज़ है, प्लस 2 इंच उसमें हम लूजिंग के लिए ऐड करेंगे, 30 इंचेज़ आएगा। उसका भी हमें यहाँ पे फोर्थ पार्ट लेना है, 7.5 इंचेस। साइड से 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से हल्का सा हमें साइड से कर्व देना है, तो 1/2 इंच पे मार्क करते हुए हल्का सा साइड कर्व देंगे वेस्ट में। आर्मोल की मार्किंग करेंगे, इसके लिए लाइन का हमें मिड पॉइंट मार्क करना है। देन हम मिड पॉइंट से अंदर 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, देन 1/2 इंच पे। तो जो हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है उससे हम अपना बैक आर्मोल का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ, आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे बैक आर्मोल कट करना है, देन हम एक बैक पीस अलग करके फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। अब मैं स्लीव कट करूँगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक को सिंगल फोल्ड करके रखा है, इसे एक और बार फोल्ड कर लें। तो ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है, मार्किंग हमें फोल्डेड साइड से करनी है। यहाँ स्लीव की लेंथ में 5.5 इंच रेडी करूँगी, तो यहाँ पे 1 इंच मैंने नीचे फोल्ड के लिए और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए लिया है। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच लेंथ लेके कट की है। यहाँ से नीचे हम 3 इंचेस पे केप हाइट मार्क करेंगे, इस लाइन को सीधा मार्क कर लें। यहाँ भी सेम हम 7.25 इंच पर अपना आर्मोल लेंगे, इसे ऊपर स्लांट मिला लें। इस लाइन का मिड पॉइंट मार्क करते हुए ऊपर से 1/2 इंच लेते हुए हम बैक आर्मोल कर्व ड्रॉ करेंगे। हल्का सा अंदर डीप लेते हुए हम फ्रंट आर्मोल की मार्किंग करेंगे। साइड से 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे।
यहाँ नीचे हमारा आर्म राउंड टोटल 10.5 इंचेस है, उसमें हाफ इंच हम उसमें लूजिंग के लिए ऐड करेंगे तो आएगा 11 इंचेस। उसका हमें यहाँ पे हाफ लेना है, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। साइड से 1 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ फर्स्ट हमें बैक आर्म होल कट करना है, देन स्लीव को ओपन करके हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कपड़े की दोनों की सीधी साइड साथ में हो। अब हम फ्रंट आर्म होल डेप्थ की यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ स्लीव के बॉटम में हम 1 इंच डबल फोल्ड कर लेंगे, देन इसकी जो साइड है हमने 1 इंच मार्जिन छोड़ा था उसमें स्टिच कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे फ्रंट नेकलाइन लाऊंगी, इसके लिए मैंने ये पेपर कैनवास लिया है। ये मैंने 8x11 इंच का पीस लिया है। यहाँ इसे हमें सिंगल फोल्ड करके रखना है। अब यहाँ पे फोल्डेड साइड से हमें नेक विड्थ मार्क करनी है 3.5 इंचेस पे। अब यहाँ पे हम अपनी फ्रंट नेक डेप्थ मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं 7 इंचेस रेडी करूँगी, तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके लिया है, जो कि हमारा ऊपर हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ से ऊपर हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक यू शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप यहाँ पे फ्री हैंड भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ से हाफ इंच पे मार्क करके हमें ट्रायंगुलर शेप देना है। हाँ, ऊपर से 7 इंच पे मार्क करते हुए हमें नीचे कर्व देना है। इसे हमें कपड़े की उल्टी रॉन्ग साइड के ऊपर पेस्ट कर देना है आयरन करके, और साइड में हमें यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेके कट कर लेना है। अब यहाँ पे मार्जिन फैब्रिक को हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एज में स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें कपड़े की जो रॉन्ग उल्टी साइड है इसके ऊपर हमें इस नेकलाइन को रख के स्टिच करना है। पहले मैं यहाँ नेकलाइन की जो हमारी सीधी साइड है उसके ऊपर मैं यहाँ पे पूरी साइड में ये लेस अटैच करूँगी। आप यहाँ लेस इसके ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नेकलाइन के अंदर की साइड भी अटैच कर सकते हैं। देन इस नेकलाइन को हमें कपड़े की रॉन्ग उल्टी साइड के ऊपर रख के बिल्कुल हमारा जो ये कैनवास है उसके साइड की एज में स्टिच करना है। यहाँ पर हमें कैनवास के ऊपर कोई स्टिच नहीं करना है। यहाँ अंदर की साइड 1/4 इंच मार्जिन रखते हुए नेकलाइन कट करेंगे। पूरी नेकलाइन में स्मॉल नॉचेस देंगे। अब इस नेकलाइन को आगे की साइड फोल्ड करते हुए इस पर एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ नेकलाइन की लेस वाली साइड में हम एक बार टॉप स्टिच कर लेंगे। बैक नेकलाइन फिनिश करेंगे, इसके लिए मैं यहाँ पे नेक विड्थ 3.5 इंचेस लूँगी। वहाँ से अंदर हमें 1/4 इंच मार्जिन मार्क करना है, देन हम 2.5 इंच यहाँ पे नेक डेप्थ लेंगे, नेक यू शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ बैक नेक फिनिश करने के लिए मैंने बायस और एक पट्टी ली है। इसकी विड्थ मैंने यहाँ पे 1.25 इंचेस लिए है, 1.25 इंच। और इस तरीके से हमें इसे सिंगल फोल्ड करते हुए बिल्कुल 1/4 इंच पे इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। देन इस नेक लाइन में पूरे में हम स्मॉल कट्स देंगे। फिर हमें स्ट्रिप को मार्जिन फैब्रिक की तरफ रखते हुए बिल्कुल इसके एज में पूरे में स्टिच करना है। अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हमें कपड़े की दोनों की राइट सीधी साइड साथ में रखनी है। देन जो आप ये देख सकते हैं जो हमारी बायस स्ट्रिप थी इसे आगे की साइड फोल्ड करते हुए हमें 1/2 इंच मार्जिन में शोल्डर ज्वाइन कर लेना है। इस वे से आप देख सकते हैं हमारे शोल्डर्स फिनिशिंग के साथ जॉइन हो गए हैं। अब जो हमारे ये स्ट्रिप है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसके एज में पूरे में स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना नीचे बॉटम अम्ब्रेला पार्ट जॉइन करेंगे, तो यहाँ वेस्ट में हमें इसे 1/2 इंच मार्जिन में जॉइन कर लेना है। सेम वे से बैक साइड भी जॉइन कर लेंगे। यहाँ इसकी हेम में हम 1/2 इंच डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, या फिर आप यहाँ पे बायस और एक पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रोल्ड हैंड प्रेशर फुट से इसे फिनिश करूँगी। यहाँ नीचे मार्जिन फैब्रिक को टॉप की तरफ करते हुए इसके एज में पूरे वेस्ट में स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ इसकी साइड में जो हमने 1 इंच मार्जिन रखा था उसमें हमें स्टिच करना है, तो यहाँ पे आपको वेस्ट से करीब 4 इंच तक यहाँ पे स्टिच करना है। आप यहाँ पे 5 इंच तक भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 4 इंच तक स्टिच करूँगी। देन इसकी जो स्लिट है हमें 1 इंच डबल फोल्ड करके फिनिश कर लेनी है। अब हम इसकी स्लीव्स ज्वाइन करेंगे, इसलिए आप देख सकते हैं कुर्ती एंड स्लीव को हमने कपड़े की रॉन्ग साइड यहाँ पे उल्टी करके रखी है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट डीप पार्ट के साथ ही टॉप के डीप पार्ट को मिलाना है। तो इस वजह से हमें पूरे स्लीव को मिलाना है और 1/2 इंच के मार्जिन में इसे स्टिच कर लेना है।
यहाँ साइड में मैं डोरी अटैच करूँगी, इसके लिए मैंने 1-1 मीटर के 2 डोरीज कट की है। तो फर्स्ट मैं आपको एक डोरी फिनिश करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 3.5 इंच का ये पीस कट किया है। हमें टेप को 3.5 इंच पे रखते हुए गोलाई में मार्क कर लेना है। यहाँ फैब्रिक की सीधी राइट साइड साथ में रखते हुए हम यहाँ 1/4 इंच मार्जिन में स्टिच कर लेंगे। देन हमें यहाँ पे पूरे में स्मॉल कट्स देके इसे राइट साइड टर्न करके इस पर एक बार आयरन कर लेना है। यहाँ नीचे की साइड आप लेस भी अटैच कर सकते हैं। देन हमें डोरी में इसे इस वे से अटैच करना है। 1/4 इंच मार्जिन में साइड स्टिच कर देंगे। देन डोरी को आगे की साइड टर्न कर लेंगे। इस वे से हमने 1-1 मीटर की 2 डोरीज रेडी कर ली है। अब इस वे से हमें इसे साइड में अटैच करना है। इस वे से हमारी ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनके रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।